हेलो गाइस, अभी मेरे साथ एक भैया है जो कि यहाँ पे गाड़ी पोछते हैं। और भैया से पूछते हैं, भैया आपके यहाँ पे सैलरी कितना है? हमारा सैलरी वो महीने का 2,000 है, 3,000 है। नहीं, फिक्स कितना है? फिक्स 3,000 है। 3,000 मतलब कितना घंटा काम करते हो? और सुबह को 6:30 से ड्यूटी आता है, बाद में निकल जाएगा 8 बजे। 8 बजे मतलब 7 बजे सुबह आए और रात को 8 बजे निकलोगे? नहीं, वो सुबह को 4 बजे आएगा पोस्टर के बाद में, 8 बजे हम निकल जाएंगे। तो आप अपने पैसे मतलब आप काम पे कर रहे हो या अपना खुद गाड़ी सब का धोते हो? हम खुद गाड़ी सब मतलब सारी गाड़ियाँ जितना लगी सब तुम धोगे? हम धोगे, हमारा दोस्त आदमी धोएगा। अच्छा, मतलब एक गाड़ी धोने का कितना मिलता है? एक गाड़ी 70 दिरहम, 70 दिरहम महीने का 70 दिरहम, 80 दिरहम 100। अच्छा, मतलब मान के चलो मतलब 30-40 वहाँ माथी तक पूरा गाड़ियाँ खड़ी है, बहुत सारी, सब तुम ही धोते हो? हम 50 गाड़ी धोता है। 50 गाड़ी? 50 गाड़ी धोता है। चलो, और तुम्हारे दोस्त दूसरे लोग 50 गाड़ी और दूसरे लोग 50 गाड़ी से महीने का घर पे कितना भेज देते हो? फिर भी वो महीने का घर के वो 200 100 घर पे कितना भेजते हो? घर पे अपने घर मुलुक में अपना मुलुक में कितना भेजते हो? हमारा मुलुक में भेजता है एक महीना के लिए 1,00,000 और 80,000। यहाँ का कितना दिरहम भेजते हो? यहाँ से वो महीने का मिनिमम 2,000 दिरहम भेजता है मेरा। अच्छा, 2,000 दिरहम भेज देते हो। आपका रूम खाना का खर्चा कितना हो जाता है? खाना का रूम का खर्चा होता है लेकिन 1,000 दिरहम है। 1,000 दिरहम? 1,000 दिरहम। कितने लोग रहते हो? तो हमारा रूम को 12 आदमी है, वो एक आदमी को 1,000 दिरहम का खर्चा होता है। अच्छा यार, तुम बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे हो। बांग्लादेश से यहाँ पे सीखे हो हिंदी की? कहाँ से, कैसे सीखी है हिंदी? इधर से हम आएगा हिंदी सीखता है। अच्छा, इधर ही सीखे हो? इधर ही सीखते हैं। बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे हो। बांग्लादेश वाले काफ़ी ज़्यादा हिंदी नहीं बोल पाते हैं। अभी मेरे को एक बांग्लादेश के मिले थे तो वहाँ पे मतलब थोड़ा तोतला थे। मैं पूछा उनको, भैया आप यहाँ पे क्या करते हो? तो मैं बोला मैं अजमान में दुनिया बेचने आया हूँ, मतलब वो धनिया बेचते हैं, तो बोल रहे हैं आजमान में मैं दुनिया बेचने आया हूँ, ऐसे बोल रहे थे। बहुत मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे हिंदी अच्छे से नहीं बोल रहे हैं। आप बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे हैं। हाँ, वो पूरा आदमी तो दुनिया का एक नहीं है, वो आदमी का थोड़ा थोड़ा माइंड चेंज। पूरा आदमी तो एक अच्छा नहीं है, लेकिन वो दिमाग का घटाता है तो फिर भी सामने आ गया। दिमाग का सही नहीं है तो किस पे बढ़ गया। आप अपने बांग्लादेश वाले भाइयों से कुछ कहना चाहोगे? तुम्हारे बांग्लादेश का मेरे वीडियो बहुत देखते हैं और पूछते हैं यहाँ पे आने के जाने का, मतलब पूछ भी खर्चा पूछते हैं। लेकिन आप इतना बता दो अपना बांग्लादेश वाले भाइयों को कि यहाँ पे तुम खुश हो कि नहीं खुश हो? हम खुश हो गए। मेरा बांग्लादेश भाई को, मेरा भाई को सपोर्ट चाहिए और लाइक करेगा और कमेंट करेगा, बहुत अच्छा भाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो फिर मैं बाइक का साथ में वीडियो बनाता हूं इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, मैं यही साइड में रहता हूँ। आप बताओ बांग्लादेश वाले भाइयों को आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, चाहिए एकदम। मतलब खुश हुआ आप काम करेगा? हाँ, खुश हुआ काम करेगा। और हमारा बांग्लादेश का भाई को लोग काम को लो सुनो, वो मेरा भाई है, मेरा दिल से प्यार करता है। वो भाई को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए लाइक करो, थोड़ा कमेंट करो। जी भैया, गाड़ी धो, तुम्हारा मैं टाइम इतना बर्बाद किया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और तुम आप धो, मैं यहीं पे साइड में रहता हूँ, आपको फिर मिलूंगा फिर मैं। ओके इंशाल्लाह फिर मिलेगा। चलो ठीक है, बाय। ओके बाय भाई, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। तो गाइस, आपने देखा मैं एक बांग्लादेश भाई से बात कराया आपको कि यहाँ पे रहने का खाने का, और वो पूरा 50 गाड़ियाँ धोते हैं। बोल रहे हैं यहाँ से पूरा माथे तक लगी गाड़ियाँ, बोले 50 गाड़ियाँ धोते हैं, मिनिमम 2,000 यानी उनके यहाँ का 1,00,000 हो गया। 1,00,000 मतलब बांग्लादेश में कितना चल रहा होगा 1 रुपये का, आप देख लेना 1 दिरहम का कितना चल रहा है बांग्लादेश में, आप देखिए। और इंडिया में करीबन उसका होगा 2,000 दिरहम का, करीबन 60,000 के लगभग होगा। तो गाइस, अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बांग्लादेश से हो, इंडिया से हो, कहीं से हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।